वहीं गुरुग्राम में स्वामी धर्मदेव ने एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान काफी संख्या में लोग एकजुट हुए, जहां स्वामी धर्मदेव ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि देश में बीजेपी ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र से जुड़ी हुई है। इस दौरान उन्होंने नेताओं से आह्वान किया कि बीजेपी में नेता प्रवेश करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से देश के बहुत से साधु संत प्रभावित हैं। उनमें से एक नाम है स्वामी धर्मदेव का। स्वामी धर्मदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तपस्वी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत माता के लिए काम करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के मोदी मनोहर लाल हैं। स्वामी धर्मदेव ने आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर कहा कि इस बार बीजेपी इंसानियत, राष्ट्रभक्ति, समाज के प्रति भावना, वफादारी और ईमानदारी करने वाले नेता को ही टिकट देगी। वहीं उन्होंने पूंजीपतियों और धनवान व्यक्तियों को भी कहा कि अटैची वाला, बैग वाला, वजन वाला वो कभी न सोचे कि उनको भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पूंजीपति और धनवान व्यक्ति सपने में भी न सोचे कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिल सकती है। पैसे के बल पर भाजपा की टिकट नहीं मिलेगी। हमारी वर्तमान सरकार और खास तौर पर कह सकता हूँ श्री मनोहर लाल की सरकार और मनोहर लाल जी का जीवन, वो इस चीज से कोसों दूर है। आज कोई अटैची वाला, कोई बैग वाला, कोई वजन वाला, कोई वो सोचे कि मैं टिकट लेके आऊंगा उसको टिकट मिलने वाला नहीं है। ये परंपरा है। जब उन्होंने पर्ची खर्ची खत्म कर दी, ना कोई सिफारिश ना कोई पैसा, उस चीज से बहुत दूर हट करके चलने वाले ये लोग हैं। श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर वो इंसान की इंसानियत को देखेंगे, राष्ट्रभक्ति को देखेंगे, उसके समाज के प्रति उसकी भावना को देखेंगे। उन सब चीज़ों को देख करके, वफादारी को देख करके, ईमानदारी को देख करके, राष्ट्रभक्ति को देख करके उसको टिकट के लिए चुन सकते हैं, उसको आमंत्रित कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि इस समय राष्ट्र और प्रदेश को एक अच्छा नेतृत्व मिला हुआ है। परिवारवाद को जड़ से उखाड़ने का काम मोदी, योगी और मनोहर लाल ने किया। ये नमो मनो, आज मोदी जी ने भी इस बात को कहा है, ये नमो मनो की जोड़ी बनी रहनी चाहिए। मोदी जी पूरे देश के लिए है, उस देश में हरियाणा भी आ जाता है, लेकिन हरियाणा का मोदी अगर कोई है तो मनोहर लाल जी है। इस दौरान काफी संख्या में लोग एकजुट हुए और सभी ने स्वामी धर्मदेव को ही गुरुग्राम से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने का आह्वान किया। लेकिन अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम से किस उम्मीदवार पर अपना दांव लगाती है। गुरुग्राम से टोटल न्यूज के लिए गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट।